नमस्कार किसान भाई साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दलोदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विष्णु पाटीदार। आज का दिन है दोस्तों 24 जनवरी 2022 का। तो आज की जो लहसुन की आवक हमें देखने को मिल रही है, किस प्रकार की आवक है, अगर आप मंडी के लिए अब निकलते हैं दोस्तों तो उसकी क्या स्थिति बन रही है, वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी जानकारी बताई है। तो पूरा वीडियो आप सभी किसान भाई जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ की जो स्थिति बन रही है दलोदा मंडी की आज की, वो जानकारी आप सभी किसान भाइयों को मिल जाए। और आप अगर मंडी में आते हैं या ना आए, आपका निर्णय आप खुद ले सकते हैं दोस्तों। पूरा वीडियो देखिएगा एक बार, और मैं आपसे निवेदन करता हूं। और जानकारी और सेवा अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने संबंधी और साथी किसान भाई तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों, इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी किसान भाई कल यानी कि 25 जनवरी 2022 को अगर लहसुन लेकर आता है, या फिर उसमें जो अभी की फिलहाल की कंडीशन जो आवकों के मुताबिक जो हमें देखने को मिल रही है, इससे जो 26 जनवरी के दिन अवकाशीय सूचना अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको अनुमानित पहले से बता रहा हूँ कि अवकाश रहना संभव है दोस्तों। तो कि परसों का दिन है 26 जनवरी, तो जिससे जो भी किसान भाई दूर से जो भी किसान भाई आते हैं उसकी पहले अवकाशीय सूचना जान ले और उसके बाद में ही मंडी के लिए निकले, ताकि आप सभी किसान भाइयों को कोई भी दूर से जो भी किसान भाई आए उसको असुविधा ना हो। दोस्तों, मैं कल के किसान भाइयों को नहीं बता रहा हूँ, कल जो लेकर आना चाहते हैं यानी कि आज निकल रहे हैं और कल मंडी तक पहुँचते हैं, तो ऐसे किसान भाई आ सकते हैं। लेकिन 26 जनवरी के दिन जो भी किसान भाई मंडी में आता है तो प्लीज़ अवकाश सूचना को जरूर जान लीजिएगा। मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन अनुमानित जानकारी है कि अवकाश रहेगा। जब तक प्रशासन कंफर्म अवकाश नहीं करती है तब तक मैं आपको सूचना नहीं दे सकता। लेकिन दोस्तों, मैं आपको पहले से जानकारी इसलिए प्रदान कर रहा हूँ ताकि आप मंडी के लिए निकले तो अवकाश सूचना को जरूर जान लें, उसके बाद में ताकि आपको मंडी के आने के बाद में आपको पता लगे तो आपको असुविधा ना हो। दोस्तों, जानकारी और सेवा एक बार और बता रहा हूँ दोस्तों कि मेहनत अगर आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। दोस्तों, ये आपके जो आज की मैं आपको बता रहा हूँ, आज सोमवार का दिन है, आज मंडी का अवकाश नहीं है, आज मंडी चालू रहेगी। दोस्तों, जिस प्रकार की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ की आवकों की स्थिति के माध्यम से आप सभी दोस्तों जान लीजिएगा। आज का दिन है 24 जनवरी 2022 का और दिन है सोमवार का। तो सोमवार की जो आवकों की स्थिति मैं आपको यहाँ की बता रहा हूँ, पूरी तरह से जानकारी ले लीजिएगा। दोस्तों, जिस प्रकार से अगर आप मंडी आते हैं, ये इस प्रकार जो प्लेटफॉर्म और फील्ड साइड जो हमें देखने को मिल रही है, ये पूरी तरह से फुल हो चुके हैं दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और अपन साइड में मैं आपको लेकर चलता हूँ, इस प्रकार की जो साइड है ये भी लगभग इसमें भी उतना खाली जगह स्पेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जिस प्रकार की स्थिति मैं आप सभी किसान भाइयों को बता रहा हूँ। बाकी पुराने लहसुन की भी आज थोड़ी बहुत आवकें हमें अब देखने को मिली हैं, कल दिन में तो नहीं थी लेकिन अब तक थोड़ी आ चुकी है, तो उसकी भी स्थिति मैं आप सभी किसान भाइयों को यहाँ की जरूर बताऊंगा। अब चलता हूँ आपको आगे की एक और साइड में लेकर कि यहाँ पर क्या स्थिति आज की आवकों की बन रही है। तो नई ऊटी में जिस प्रकार की क्वालिटी है, तो मैंने आपको पहले बता दी थी किस प्रकार की क्वालिटी मंडी के अंदर हमें देखने को मिली रही है, तो ये स्थिति आज की जो बन रही है। फील्ड साइड उस साइड में तो पूरी तरह से फुल है, और इस साइड में मैं एक और साइड में मैं आपको लेकर आया हूँ, तो इस प्रकार की क्या स्थिति इधर भी जो बन रही है। अभी तक तो जो आवके हैं यहाँ तक तो फुल ही हमें देखने को मिला है, कहीं पर भी उतना खाली स्पेस खाली जगह हमें देखने को नहीं मिल रही है दोस्तों, ताकि आप इधर अपनी ऊँटी गाड़ी खाली कर सकें। ये देखो दोस्तों, जो आवके हमें देखने को मिली है इस साइड में भी मैं आपको लेकर आया हूँ। बाकी दोस्तों, यहाँ पर अगर जिस साइड में भी आप अपनी लहसुन खाली करते हैं, अगर उस साइड में अगर चूना लाइन बनी हो तो उसकी आउट साइड में आप कोई भी किसान भाई अपनी कृषि उपज खाली ना करें। सिर्फ ऊँटी वाले के किसान भाइयों को मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी किसान भाई ऐसी जगह अपना माल या अपनी कृषि उपज खाली ना करें जिसपे चूना लाइन के आउट हो, जिससे कि आपको रिलामन कार्य से वंचित रहना पड़े। दोस्तों, एक और साइड जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ की स्थिति, ये पुरानी लहसुन की आवकें जो हमें देखने को मिली है, कल से थोड़ी आवकें जो मैंने बताई थी उससे बड़ी है, लेकिन उतनी आवकें नहीं है, बिल्कुल ही नाम मात्र। ये आवकों की स्थिति जो हमें देखने को मिली है, जो सिर्फ दो हिस्से ही इसके भरे हैं, बाकी रिलामी कार्य इसमें भी पूरा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। और एक और साइड जो यहाँ पर आ चुकी है ऊँटी की, जो आवक हमें देखने को मिल रही है आज की, दोस्तों जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ 9:43 अभी की स्थिति में हो रहे हैं। और एक और साइड को आपको बता देता हूँ, इस प्रकार की जो स्थिति आज की हमें देखने को मिली है दोस्तों,
टंकी के सामने फील्ड साइड जिस जगह पर सोयाबीन खाली हो रही थी उस जगह पर भी अब लहसुन की जो है खाली हो रही है जो आप देख पाएंगे। बाकी दोस्तों अब यहाँ की एंड तक तो मैं आकर पहुँच गया हूँ, तो अब आपको यहाँ की स्थिति जो मैं बताऊँगा कि गेट किस हिसाब से लगने की संभावना है या नहीं। तो दोस्तों जो स्थिति हमें अभी की स्थिति में देखने को मिल रही है, अभी तक तो जो प्रशासन का निर्णय है वो यही है कि इस फील्ड साइड के अंदर आप ऊँटी गाड़ी खाली कर सकते हैं, लेकिन ये बढ़ जाने के बाद में आगे की जानकारी मुझे भी अनुमान नहीं है कि आगे कहाँ पर खाली होगी और किस प्रकार से आपको निर्णय लेकर खाली करवाया जाएगा। बाकी दोस्तों इस हिसाब से तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फील्ड साइड अभी आधी ही भरी है और आधी और खाली है, जिस प्रकार से आप सभी किसान भाई देख कर रहे हैं। और जो अगर आप अब निकलते हैं अपने घर के लिए तो उसकी स्थिति ये है कि गेट लगने की अभी तो संभावना नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं आपको 9:45 की स्थिति बता रहा हूँ, लगभग 11 बजे तक यहाँ की स्थिति क्या हो उसका अंदाजा मैं अभी आपको नहीं लगा सकता। बाकी ये जानकारी जो अभी की स्थिति में मुझे देखने को मिल रही है फील्ड साइड इस प्रकार से। अगर आपको की अनुमानित आवक जब मैं अगर आपको बताऊं तो लगभग 5,500 कट्टों की आवक या इससे ज्यादा हमें देखने को मिल रही है आज की ये आवक जो हमें देखने को मिली गई है। जय जवान जय किसान, जानकारी और सेवा अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने संबंधी और साथी किसान भाई तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की रोजाना की अपडेट आप सभी किसान भाइयों को मिलती रहे।